तो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देशों के हित की ही नहीं हृदय से भी जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान यहां पर दिया है। G20 का सफल आयोजन भारत मंडपम में किया गया आज आखिरी दिन, और जो तमाम बयान यहां पर प्रधानमंत्री के आए हैं, देशों के हित ही नहीं हृदय भी जुड़े, मानव हित में चंद्रयान का डेटा साझा किया, और ये तमाम बातें यहां पर प्रधानमंत्री ने कही है। भारत के लिए मानव हित सर्वोपरि, सभी देशों को एआई का फायदा मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इन बातों का जिक्र किया है, कहा है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है, और उन्होंने तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र किया, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों का धन्यवाद किया, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। और आज देखिए समागम यहाँ पर हो गया है शिखर सम्मेलन का, जिसमें शामिल होने के लिए तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे, और उसके बाद जिस तरह से वो ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है, अब दूसरे देश को मिली है, ब्राजील को मिली है ये बड़ी जिम्मेदारी, यानी अगले साल जब G20 होगा तो ब्राजील में होगा। इससे पहले हमने देखा था पिछले साल जब इंडोनेशिया के बाली में G20 का सम्मेलन हुआ, तो उसके बाद भारत को ये बड़ी अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिली थी, और इस साल देखिए किस तरह से बड़े ही भव्य तरीके से यह आयोजन हुआ है, और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बातें कही हैं वो आपको एक एक करके बता रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो एक बार आपको सुनवाते हैं। जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है, अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोडमैप सुखद हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, वर्चुअल सेशन नवंबर के अंत में रखने की वो बात कहते हुए नजर आए, कहा कि समिट के दौरान जो विषय तय किए गए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी नवंबर के अंत में, और उन्होंने यह अपील भी की है और एक रिक्वेस्ट की है कि आप सभी इस वर्चुअल जो सेशन होगा इसमें आप सभी जुड़ेंगे। जीनी।